मैं कुमार जब बनाने लगे चिकन मैक्रोनी, हमने चिकन लिया, ये हमने मैक्रोनी लिया दो किस्म की, ये हमने चिकन लिया, ये हमने मैक्रोनी लिया, ये टू टाइप्स की हैं, ये हमने केचप लिया, ये काली मिर्च, दादरी मिर्च, लाल मिर्च, ये नमक दो चम्मच, ये हमने कैरेट लिया, गाजर, ये हमने शिमला मिर्च लिया, ये सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका और टमाटो केचप ऑयल, ये सब चीज़ें आप नोट कर लें, ये हमारी मैक्रोनी में डालेंगे। ये हमने गाजरों को काट लिया अपनी, ये देखें मैंने टू शेप्स में काटा है, एक में ये और एक में ये शिमला मिर्च, ये तीन किस्म की हमारी मैक्रोनी है, ये चार शिमला मिर्च हैं और ये चार ही गाजरें हैं बड़े साइज़ के जी। तो फ्रेंड्स अब मैं पानी बॉईल कर लिया था, अब ये मैं इसमें नमक डालूँगी टू टेबल स्पून और ऑयल, अब इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। 7 से 8 मिनट आपने पानी को बॉईल करना है, गर्म होएगा फिर आपने मैक्रोनी इसमें डाली है, मैंने 2 टेबल स्पून ये ऑयल डाला, इससे ये जुड़ती नहीं है। ये मैक्रोनी ली है हमने, ये मिक्स हैं तीन किस्म की हैं, ये मैंने देखी है। आपने 6 मिनट आपने इनको करना जब तक ये अच्छी तरह ना हो जाए। हमने 6 से 7 मिनट हमने बॉईल किया नमक डाल के, और अब ये मैंने ठंडे पानी में इसको भिगो दिया ताकि ये आपस में जुड़े ना, ठीक है। ऑयल डाल रहे हैं, गर्म होने देंगे इसको, लिख ले रही हूँ। हम इसको फ्राई कर लें, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लें। प्याज, प्याज लाइट गोल्डन करना आपने इसको, जब तक ये लाइट गोल्डन नहीं हो जाता तब तक हम और चीज़ें ऐड नहीं करेंगे इसको। बोनलेस चिकन, ये चिकन लिया मैंने, डाल दिया 1/2 kg है ये, अभी लाइट गोल्डन करेंगे चिकन डाला, इसको तब तक पकाएंगे जब तक चिकन का कलर वाइट हो जाए, गोल्डन हो जाए, लाइट चेंज हो जाए कलर,
ये मसाला सारा ये डाल देंगे बीच में। पाँच मिनट के लिए आप इसको स्टीम पर रख देंगे। लहसुन के सॉस बनाने लगी हूँ मैं, ये मैं लहसुन डाल रही हूँ इसके अंदर। पिज़्ज़ा सॉस नहीं जो बनाते वो हम इसके लिए बना रहे हैं। थोड़ा सा बिल्कुल ऑयल, ये पास्ता, ये पिज़्ज़ा, ये सॉस सब मैं डाल रही है। ये मैं आपको वो सॉस बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। लाइट सा कलर करेंगे इसको, गार्लिक का, ये टमाटो केचप है सादी, ये दादरी मिर्च है, ये डाल देंगे इसमें, ये नमक मिर्च इसके भी मैं डाल दूंगी, मिक्स कर दूंगी। सॉस है बस थ्री, ये भी थ्री डालेंगे बस। ये विनीगर है, बस विनीगर आपने एक ही बस लेना। रेडी, ये देखें लुक आप इसकी कितनी ब्यूटीफुल लुक है, हमारी सॉस रेडी हो गई है। ये हम गाजर डाल रहे हैं, करेंगे मैं शिमला मिर्च ले रही हूँ, गाजर ये देखें मरी हो गई है, ये देखें ये कलर आना चाहिए इसका बिल्कुल, ठीक है। अब मैं शिमला मिर्च डाल रही हूँ, मिक्स करेंगे। अब इसको भी थोड़ी देर के लिए रख देंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें, ये थोड़ा सा मैंने पानी डाला। अभी इसमें ये ग्रेवी में ये ना ये बीफ की इसी लाइट से बाकी का पिज़्ज़ा सॉस बनाई थी हम इसमें डाल देंगे। चिली सॉस 2 स्पून, ये सिरका, ये भी 2।
ये मैं मैक्रोनी डाल दूँ इस पर, मैक्रोनी सॉरी डाल दिया मैंने बीच में। चने भी हम इसको दम पे रखेंगे, जो भी फ्लेवर्स की कमी होगी वो हम बाद में डालेंगे।